किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है। आपको बता दें कि तीनों कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगा दी गई है और सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अगले आदेश तक तीनों कानून पर रोक। कानूनों के खिलाफ ये कानून लागू नहीं होने चाहिए, उन कानूनों को लागू ना करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज स्टे कर दिया है और कमेटी गठित करने के लिए हमने कुछ नाम सुझाए थे। ऑनरेबल जस्टिस मार्कंडेय काटजू, कुरियन जोसेफ और भी जस्टिस के नाम बताए गए, उनके नाम पर विचार करके आगे कमेटी गठित किया और भारतीय किसानों के जितने किसानों के संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उन सबके अध्यक्ष को उस कमेटी में रखा जाए। हमने कहा विज्ञान भवन बहुत बड़ा है, उसमें कमेटी जब भी बुलाई जाए, मीटिंग हो तो उनके अध्यक्षों को बुलाया जाए और उसके साथ अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत है उनके एडवोकेट को बुलाया जाए जिससे आगे सारी प्रोसीडिंग हो सके। किसान संगठन बैठे हैं बॉर्डर पे, वो तो आए ही नहीं है उनके रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे, इसको किस तरह से समझाया और कितना समय लगेगा? ये पूरा समय लगेगा, कमेटी टाइम लगेगा, लेकिन कानूनों पर रोक लगाना भारत के किसानों की सबसे बड़ी जीत है और ये सरकार की हार है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहीं न कहीं माना कानून गलत थे, किसान विरोधी थे, आर्बिट्रेटरी थे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे, इसलिए इन कानूनों पर रोक लगा दी गई है। अब हम अपने क्लाइंट से बात करेंगे, किसानों के संगठनों से बात करेंगे, उनसे बात करेंगे। बात तो लगाई थी ना, ये पहली जीत इसे कहीं किसानों की कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से मिली है? नहीं, अभी से जीत का नाम नहीं दे सकते। देखो, बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं, ट्रिपल कैप है, बंदूक का पहरा है। हाँ जी, यहाँ पर रोक लगा दी है जी, यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो कानून है उस पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। किस तरीके? नहीं, कितने दिन के लिए? फिलहाल रोक लगाई है, फिलहाल अभी कोई समय। हाँ तो चलो ठीक है, अपना आंदोलन तो जारी रहेगा ना, आंदोलन जारी रहेगा। किस तरीके से आप देख रहे हैं इस पूरे मामले को? देख रहे, वहाँ पे लीगल जो कमेटी होगी उससे बात करेंगे कि क्या हुआ है। कानून को लगातार आप लोग ये कह रहे थे कि कानून को खत्म करने की बात कर रहे थे, लेकिन हमारा वही है हमारा कि कानून खत्म हो। कितने दिन में कानून खत्म होंगे? यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाने की बात कही है और ये कहा है कि ये जो पूरी कमेटी है, क्योंकि हमें जो स्थिति है उसको क्लियर करने की जरूरत है, अभी नहीं। चलो बना दी उन्होंने कमेटी, कमेटी बनाने की बात करी है, उच्च न्यायालय में आएगी, जब रिपोर्ट आएगी तो उस पर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा सब कुछ। कोई उन्होंने जगह शिफ्ट करने की बात सरकारों की है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की बात प्रशासन की है, उसका कोर्ट से कोई मतलब नहीं। एपी सिंह जी, ये बताइए कि जो अधिकतर संगठन वहाँ बैठे हैं बॉर्डर पे, उनके तो नुमाइंदे आज कोर्ट में हियरिंग में तक में नहीं आए, उन्होंने अविश्वास जाहिर किया। अविश्वास, मैंने यही कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को, देश की सरकार को, सबको किसानों से, किसानों के साथ कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा। ये किसान किसी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के नहीं है। कुछ लोगों ने इसका आंदोलन को, कुछ ने कहा कि शाहीन बाग जैसा है, मैंने कहा इसका जो ये आंदोलन है इसको शाहीन बाग से तुलना नहीं कर सकते। ये देश के देशभक्त किसान हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान किया है। लेकिन वहाँ पे कोर्ट में सरकार के वकील कह रहे हैं कि इसमें खालिस्तानी एलिमेंट से इंटेलिजेंस, वो सब झूठ साबित हो गया, झूठ साबित हो गया, इसीलिए तो स्टे दिया है। सुप्रीम कोर्ट से इतिहास में ऐसा कई बार नहीं हुआ है, कभी कभी की बात है कि भारत सरकार के बनाए हुए कानूनों पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हमारी याचिकाओं पर रोक लगा दी। कल की बैठक में किसानों ने कहा है कि हम इस कमेटी को नहीं मानेंगे। अभी तो कमेटी डिसाइड नहीं हुई है, कमेटी के नाम आएंगे, फिर हम उसके बात करेंगे, उनके पास जाएंगे, वो हमारी कितने सुनते हैं, कितनी सरकार की सुनते हैं, कितनी कानून की सुनते हैं, कितनी हमारी सुनते हैं, और फिर सुप्रीम कोर्ट में आएगी बात। सुप्रीम कोर्ट भी देखेगी, वॉच करेगी, मॉनिटर करेगी सारा काम। सुप्रीम कोर्ट कहीं जा नहीं रही, हम लोग कहीं जा नहीं रहे और हमारे इस देश की आप लोग मीडिया कहीं जा नहीं रहे, किसानों के साथ है और किसानों को न्याय दिला के रहेंगे आप लोग। हाँ, वो बैठ, अब उनसे बात करेंगे, वो भी पढ़ेंगे, हमने ये भी। हाँ, दूसरी बात, मैंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो कल हम लोगों को काम सौंपा था, हमने वो भी बताया कि हमने किसान यूनियनों से, अपने क्लाइंट से ये साफ तौर पर कहा है कि वो बुजुर्गों को, जो वृद्ध हैं, महिलाएं हैं, बीमार हैं, उनको धरना स्थल पर ना लाएं, जिससे कि मौतों की संख्या बढ़े नहीं, क्योंकि मौतें सुप्रीम कोर्ट के लिए भी गलत लगती हैं, देश की सरकार के लिए गलत लगती है, हमारी मीडिया के लिए भी गलत लगती है और हमारे देश के चौथे स्तंभ जो लोकतंत्र,
सबसे बड़ा स्तंभ है लोकतंत्र हमारा मजबूत, उसके लिए भी गलत है मौतों का होना किसी आंदोलन में। कहा था कि प्रदर्शन तो कोई हमारी रोक नहीं है, लेकिन अगर कोई हिंसा होती है इसमें कौन जिम्मेदार होगा, इस पर क्या बात होगी? हिंसा क्यों होगी? किसान जो अपनी सुसाइड कर रहे हैं, जो आत्महत्याएं कर रहे हैं, वो हिंसा कहाँ से करेंगे? वो तो आत्महत्या कर रहे हैं। आत्महत्या करने वाले कभी हिंसा हिंसक नहीं हो सकते, वो अहिंसक है। वो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा गांधी जी की तरह आंदोलन चल रहा है। गांधी जी हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं, उनकी आंदोलन जो हमें सिखाया उन्होंने जिस तरह से सरकारों से बात करने का, हमारा शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा है, वो चलता रहेगा। एमएसपी एक कक्षा ये था किसानों का कि एमएसपी खत्म होगी और एक उनकी जमीन चली जाएगी। देखिए वो पूरा है, सब कुछ है, ऐसे तो सिविल सूट नहीं पड़ सकता, कोई कानून में हेल्प नहीं है, रिकवरी नहीं हो सकती है, बहुत सी चीजें उन पर विस्तार से यहाँ भी इतना नहीं समय है कि कानून की जितनी खामियां, इसीलिए कमेटी बनाई गई। कमेटी में हम भी होंगे, हम भी बात रखेंगे, कानूनी लीगल बात रखेंगे, सभी लोग कमेटी में बात रखेंगे, फिर उसको कमेटी सुनेगी समझेगी और उसके बाद देखेंगे कमेटी कितना निष्पक्षता बरतती है, कितना पक्षपात करती है। सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। किसान सिर्फ धरती से फसल उगाना जानता है, कमेटी को भी अपनी बात रखेगा, अच्छी तरह रखेगा। 26 जनवरी को लेकर कोई बात हुई है? 26 जनवरी सबकी है और 26 जनवरी सबको मनाने का अधिकार है और हम 26 जनवरी के लिए आपके माध्यम से पूरे देश के लोगों से अनुरोध करते हैं कि 26 जनवरी हमारे देश का दिवस है, कॉन्स्टिट्यूशनल डे है, उसको सभी लोग शांति से मनाएं, उल्लास के साथ मनाएं और सरकार से अनुरोध करें कि हमारी सीजीए ने कहा है कि ये पुलिस का देखना है कि उनको कैसे रोकना है, वो आर्म्ड है या नहीं है। ये बात हुई है जब उन्होंने बोला कि 26 जनवरी को लाखों की गिनती में किसान अंदर दाखिल होंगे। नहीं, 26 जनवरी सबकी है और लाइन ऑर्डर मेंटेन करना स्टेट का काम है और किसान और जवान जुड़े हुए हैं। आप किसान और जवान को अलग मत करिए, सरकार ने तो किसान को अलग कर दिया, लेकिन आप किसान और जवान को आपस में मत लड़वाइए। किसान और जवान एक साथ हैं, एक दूसरे के सिक्के के पहलू हैं। ठीक है, ठीक है। देखोगे करुणा दो पर बड़ी खबर है। और कृषि कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। तीनों कृषि कानूनों पर फिलहाल रोक लगा दी गई है अगले आदेश तक। हमारे डिप्टी एडिटर शादाब सिद्दीकी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शादाब जी, कृषि कानूनों पर, तीनों कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी, अगले आदेश तक अब आगे क्या? अब आगे ये होगा कि